ये जगह तो बहुत अच्छी है, सुपर। मार डालो तो पता भी नहीं चलेगा। मैंने सोचा इसे क्यों मारूं, लेकिन बाकी लोग भी खड़े हैं। कोई बात नहीं, मैं अपना काम तो कर देता हूं। ओके, काम खत्म करके आपसे मिलता हूं। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। कौन है बे तू? पूरे इंडिया में मुझसे ये सवाल पूछने वाला तू पहला आदमी है। तुझे मैं बाद में देखता हूँ। hey! तू अपना नाम बता। क्यों, नाम जाने बिना मार नहीं खाएगा? हाँ, तू मुझे मारेगा? कमिटेड हूँ। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। क्लोज कर, क्लोज कर, शटर क्लोज कर। सदर, थोड़ा खोल कर रख यार, सिर बाहर निकलने के लिए आसानी होगी। बंद कर, बंद कर, ए, जल्दी बंद कर। ये ले चाबी। जल्दबाजी क्यों करता है, चाबी तो हाथ में रखनी चाहिए थी। आज तुझे ऐसा मारूंगा कि तेरी नानी याद आ जाएगी। मारना तो दूर की बात है, पहले छू के तो दिखा। मैं कौन हूं ये पूछ रहा था? खत्म कर दो इसे। कोशिश करना बेकार है, तू यहां से भाग नहीं सकता। क्या हुआ, खुल नहीं रहा है क्या? बचे ना कोई हाँ दुश्मन की बाट लगे, माँ की भक्ति दिल में बसी, काली नियत वाले तू निकल। मुझसे बचे ना कोई हाँ दुश्मन की बाट लगे, माँ की भक्ति दिल में बसी, काली नियत वाले तू निकल। माँ की कृपा सबको बता, माँ का दिकार बड़ा,
माँ की कृपा जिस पे रहे उसका न बिगड़ेगा कुछ यहाँ। जीतेगा वही जिसमें है दम, दम तुझ में है तो दिखा। बोले रे बोल, बोले रे बोल। अगर तुझ में है दम तो फिर क्यों हारा बोल। बोले रे बोल, बोले रे बोल। मुझसे बचे ना कोई, हाँ दुश्मन की बाटे लगे। माँ की भक्ति दिल में बसी, काली नियत काले तू निकल। ऐसे ना उसको छोड़ो, उसे जनता के सामने फोड़ो। तब जनता जागेगी और ये कहेगी हाँ हाँ, अरे हाँ अरे हाँ। आया जब मर्द यहाँ कोई नहीं इसके जैसा रे, हाँ अरे हाँ अरे हाँ। आ जाओ आप भी नाचो। मजबूरियां बच्चों को भी शिक्षा से कर देती दूरियां, फिर भी माँ की ममता कम नहीं हो सकती है यहाँ। माँ की भक्ति दिल में बसी, काली नियत वाले तू निकल। माँ का जलपा सबसे बड़ा, माँ काली का रुतबा बड़ा। माँ की कृपा जिस पे रहे उसका ना बिगड़ेगा कुछ यहाँ। जीतेगा वही जिसमें है दम, दम तुझ में है तो दिखा। बोले रे बोल, बोले रे बोल। अगर तुझ में है दम तो फिर क्यों हारा बोल। बोले रे बोल, बोले रे बोल। अरे कौन है ये किसको पता, कौन है ये किसको पता। अरे कौन है ये किसको पता, कौन है ये किसको पता। दिल में सबके रब है बसा, कोई ना हो ना निराशी यहाँ। सुनता है वो सबकी कहाँ, कोई भी उसे नहीं है जुदा। माँ की भक्ति दिल में बसी, काली नियत वाले तू निकल। माँ का जलपा सबसे बड़ा, माँ काली का रुपा बड़ा। माँ की कृपा जिस पे रहे उसका ना बिगड़ेगा कुछ यहाँ। जीतेगा वही जिसमें है दम, दम तुझ में है तो दिखा। बोल रे बोल, बोल रे बोल। अगर तुझ में है दम तो फिर क्यों हारा बोल। बोल रे बोल, बोल रे बोल। मुझसे बचे ना कोई, हाँ दुश्मन की बाटे लगे। माँ की भक्ति दिल में बसी, काली नियत वाले तू निकल। माँ की कृपा सबको बता, माँ काली का रुपा बड़ा। माँ की कृपा जिस पे रहे उसका न बिगड़ेगा कुछ यहाँ। जीतेगा वही जिसमें है दम, दम तुझ में है तो दिखा। बोल रे बोल, बोल रे बोल। अगर तुझ में है दम तो फिर क्यों हारा बोल। बोल रे बोल, बोल रे बोल। ए सुन, मैं अपने पापा से मिल के आता हूँ। अपना ख्याल रखना। नालायक आवारा लफंगे, तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। दो दिन तक कहाँ गायब था, न कोई फोन न खबर, घर क्या धर्मशाला है। ए तरुण, अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है। यार पास में गोरी नाम की लड़की रहती है। गोरी? ये गौरी को गोरी बोलता है। अरे यार ये भी पागल है। तरुण वो लड़की बहुत सुंदर है यार, मैं उससे प्यार करता हूँ। सुंदर है तो प्यार करने लगा। जरा मिल के आऊं। तू ये नहीं जानता कि तू लाचार है, क्यों प्यार करके अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। भाई साहब। हाँ? स्कोर क्या हुआ? एक बॉल में 6 रन बनाना है। एक ही बॉल में? हाँ। ये मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में आ गया है, क्या कहते हैं आप? अब देखिए ना, एक ही बॉल में 6 रन बनाने हैं। हाँ, बहुत टेंशन वाली स्थिति पैदा हो गई है। अरे हाँ सचमुच टेंशन तो बहुत हो रहा है, लोगों की धड़कनें रुक गई हैं। देखते हैं क्या होता है भाई, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, इतिहास गवाह इस बात का। जब तक मैच खत्म ना हो तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं। और ये बॉल करने के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट पिच बॉल, और इसे उन्होंने उठा के मारा है। देखते हैं क्या होता है। और ये 6 रन।
लड़की खूबसूरत हो तो प्यार करने का मन करता है। तू गौरी से मिलने नहीं जाएगा? इडियट, तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे तो देख लो ना। यहाँ किस लिए आए हो? ओ, तुम नहीं लाओगे तो क्या लंच नहीं करूंगा? सुनो, तुम्हें खराब करने वाले तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। एक्सक्यूज मी सर, खिड़की से कुछ लोग देख रहे हैं, उससे काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है। रेडी? ए, वहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग? सुनना। क्या देख रहे हो उधर? कभी लड़कियां नहीं देखी क्या? ए, पैर नीचे करो। बेशर्म कहीं के, अपने आवारा दोस्तों को यहाँ से ले जाओ। आउट, गेट आउट। फिर अगर कभी दिखे तो जाओ, नहीं कोई नहीं होगा। चलो चलो। अरे वो इतनी एक्सरसाइज करती है तो सिर्फ हमारे लिए करती है, बता दे उस बुड्ढे को। अरे क्या कर रहा है, निकल ले यार। ए, चलना। सर, ज्वाइनिंग ऑर्डर सर। नई भर्ती ना मनोज। देश में और भी तो काम है, वो सर छोड़ के पुलिस वाला क्यों बना? पैसे के लिए? नहीं सर, मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ, राष्ट्रपति से मेडल लेना चाहता हूँ। शूट करना आता है क्या? ट्रेनिंग में मैं फर्स्ट था सर। वो राइफल उठाओ, लोड करो। कर लिया सर। मुझे गोली मारो सर। हे, मार यार। शूट करो। आप मर जाएंगे सर। नहीं तो मैं तुम्हें शूट करूं। नहीं सर। ठीक है, इस बॉटल को शूट करो। 1 2 3। मिस हो गया ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ट्रेनिंग करने से कुछ नहीं होता, निशाना लगाकर मारने के लिए हिम्मत चाहिए। तुझे राष्ट्रपति से मेडल चाहिए ना, तो पहले जा वीडियो लेकर आ। जा। ए सर। 420। यही है सर। सर नमस्ते। मेरा नाम विश्वजीत है, बिल्डर हूँ। मैं माउंट रोड पर एक बिल्डिंग बना रहा हूँ और सर वहाँ पर एक गुंडा मुझसे पैसे मांग रहा है। नाम क्या है? थापा। थापा, मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। हुकुम कीजिए साहब। बिल्डर विश्वजीत को धमकी दी है क्या? हाँ, अगर पैसे नहीं दिए तो किडनैप करने की धमकी दी है। फिर से उसे फोन करके मारने की धमकी दो। ठीक है साहब। तीन साल से तो प्रैक्टिस ही कर रहा है, मगर तोड़ता तो एक भी चीज नहीं। पप्पू, कम हियर। मास्टर, अपनी दीदी को बुलाओ। दीदी? तुमसे नहीं आएगी, मैं खुद ही बुलाऊंगा। दीदी श्रुति। अरे ओ मास्टर, वो तो कपड़े सुखा रही है। ठीक है, मैं मदद करता हूँ। मैं आती हूँ। गुड। अब उसकी यहाँ क्या जरूरत है? आप शांत रहिए, आपने अपनी बेटी को आम लड़की की तरह पाला है, उसे अपने आप को सेफ रखने के लिए सेल्फ डिफेंस जरूरी है। आ गई मास्टर जी। जल्दी आओ। यू नो हाउ द सेल्फ डिफेंस? ये क्या कह रहे हैं? देखा प्यारी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सिखाता हूँ। घनश्याम, वो वेपन लाओ। वो घर का मालिक है ना, इसलिए सब कुछ झेलना पड़ता है। मेरे रेडी कहने के बाद तुम लोग किसी भी डायरेक्शन से मुझ पर अटैक करो, फिर मैं कैसे रोकता हूँ तुम लोग वॉच करना। रेडी? बिना प्री प्लान के कोई भी काम हमेशा खराब होता है, प्लान बनाना जरूरी है। ओके। पप्पू, तुम इस पर मारो। लोचक, मोचक, बजक। गुड। लोचक, मोचक, बजक। 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 नो प्यारी। मास्टर नेक्स्ट। hey!
मास्टर, दिस इज ड्रंकी मंकी स्टाइल। धन्यवाद दादाजी। तुम कौन हो बेटा? हेलो मौसी जी। कौन हो बेटा? बाय मौसी। कुछ तो लिखा है। स्टॉप स्टॉप, क्या है ये? टेक डाइवर्शन। ठीक है, डाइवर्ट करते हैं। आहा, आई हैव अ ब्यूटीफुल फेस ऑन टॉप, प्लीज सी दैट टू। यार तेरे पापा बहुत किस्मत वाले हैं, वो रोज खूबसूरत लड़कियों को देखते रहते हैं पर हमें देखने नहीं देते हैं। ए, ये सब क्या हो रहा है? क्या बोल के गया वो? जिम में लड़कियों का आना बंद करवा दूं क्या? हैं? अपने बाप का नाम खराब करना चाहते हो? कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, फिर भी तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। ऑटो, पापा ऑटो आ गया। मटन में सिंह कहाँ से आया? कुत्ते को सिंह होती है क्या? आप खाना खाओ और निकल लो यहाँ से, बड़ा आया है। ये तरुण कौन आ रहा है? ए भाई क्या? कौन है तरुण? बता कौन है तरुण, जल्दी बता बता बता। भाई साहब तरुण के बारे में जानना जरूरी है। तू बताएगा? जिसकी मार से सिर चकरा जाता है और पूरा बदन डर से कांपने लगता है वो तरुण ही हो सकता है, और वो मैं हूं, ये नहीं। ए, चल रहे हाथ हटा। अबे यहीं गोली अंदर कर दूंगा। चल रहे, चल भाई के दरबार में। क्या हाल है? फंस गया ना तू? अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। गुरु गुरु, यही है वो जिसने मेरा पैर तोड़ा था। आज तुम इसे। गुरु, तुमने इसे बैठने के लिए कहा? ए, उठ रहे, उठ। ए पागल, रुक जा। तेरे दिमाग में क्या हर वक्त मारकाट लगा रहता है? कभी शांति से भी काम कर। क्या बोल रही? मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं निकम्मा हो गया। ए, सब लोग आओ, इसके पैर छुओ। अब तो काम का आदमी यही है, बाकी सब लोग बेकार हैं। तुम मेरे साथ काम करोगे? मैं किसी के साथ काम नहीं करता। तुम्हारा काम क्या है बताओ, उसमें तुम्हारा कितना और मेरा कितना? ये काम कोई चिल्लर पार्टी वाला नहीं है, काम सीरियस है। पुलिस का डर भी नहीं होना चाहिए। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम धंधे के लिए इस लाइन में आए? मैं बचपन से यही करता आ रहा हूँ, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। जान की भी परवाह नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे लोग तुम्हारी चुनी हुई जगह पर किसी को भी मारते हैं, मगर मैं कहीं पर भी मारता हूं। इसे मैंने क्यों मारा जानते हो? मेरे साथ रॉन्ग डील कर रहा था, मेरी कॉलर पकड़कर शाणा बनने की कोशिश कर रहा था। अब काम बताओ, उसमें तुम्हारा कितना और मेरा कितना, उसके बाद बात करते हैं, समझे? ए हीरो, तू मुझे बहुत पसंद आया रे। लेकिन तू है कौन? मोना। दम है? इस तरह तू गन से कैसे खेल रहा है? रजनी की काफी फिल्में देखी है मैंने। ये कुछ ज्यादा ही शाना लगता है। यही तो चाहिए। हाँ, अभी तो एक गया है, पूरा जबड़ा जाएगा। तुम तो गोरे भी और खूबसूरत भी, तुम्हें तो औरत होना चाहिए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मार्केट जा रही हो? क्या नाम है?
क्यों सर? पुलिस चेकिंग। बोलो। श्रुति कहाँ रहती हो? पीछे गणेश मंदिर के पास। ओ, जॉब कहाँ करती हो? रेम्बो एरोबिक सेंटर में। केयरफुल केयरफुल, मुझे जाना है। कभी पुलिस स्टेशन गई हो क्या? नहीं सर। जाना चाहती हो? एक्सक्यूज मी, एड्रेस लिख दो। लेकिन क्यों? पुलिस पुलिस, एड्रेस। शराब पीने से क्या होता है? नशा होता है सर। मुझे बिना पिए हो रहा है। मारना किसको है? नरसिम्हा के आदमी को। आंखें खुली रखना, वो कभी भी आ सकता है। अभी तक दिखाई तो नहीं दिया ना भाई साहब। माचिस है क्या? ए चल ले। मैंने पूछा माचिस है क्या? अबे पुलिस वाले पे हाथ उठाता है? कौन है? भाई पुलिस आ गई, हड्डी तोड़ दूंगा। पुलिस आ गई वहाँ। बोल किसे बात कर रहा था? क्या हुआ सर? ये तुम्हारा एरिया है और तुम्हें कुछ नहीं पता। इस पे मुझे डाउट है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। जाओ जाके देखो। पुलिस चलो निकलो, बाद में देखते हैं। चलो ए जरा गाड़ी रोक। पुलिस को मैं संभालूंगा, आप उसको खत्म कर दो। अरे ये तो पागल है। बाकी मैं देखूंगा। इसकी बात मत सुनना। ओके। रोक रोक। ए रुक जा। क्या ये गन है? हाँ? वहां मिली तो मैं आपको देने के लिए आ गया। कहां से मिली? वहां से। पहले मुझे कुछ और लगा, लेकिन बाद में देखा तो पता चला गन है। ओरिजिनल है क्या? कहाँ रहता है तू? कौन? मैं इसी कॉलोनी में। अभी कहाँ से आ रहा है? सिनेमा। सिनेमा? हे कहाँ जा रही है? इधर आ। हाँ तुझसे कह रहा हूँ, इधर आ। ए तू इसकी तलाशी ले। यस सर। लेकिन क्यों सर? तुझे चेक कर रहा हूं। सर मैं अभी जा सकता हूं क्या? अरे अरे सर मैंने एक बार बोल दिया। आना चुप। सर मुझे जाना है। बहुत जल्दी है क्या बे? लेकिन आप मुझे क्यों रोक रहे हैं सर? वो गन वहां नीचे गिरी थी। उधर मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जल्दी जाने दो ना। पता है ना किससे बात कर रहा है? इंस्पेक्टर गोविंद से। काट डालूंगा। ए कहां गई? सर वो तो चली गई। चल सर। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये? इसे चेक कर रहा था। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो इन्होंने मुझे यहाँ। सूर्या का कत्ल किसने किया था ये पता चल गया भाई। एमएलए धनपत ने गुरु को पैसा दिया था सूर्या को मारने के लिए। अली भाई को वो एमएलए सपोर्ट करता है। कौन है वो अली भाई? हाँ क्या है वो अली भाई? उसकी मौत एक दिन मेरे हाथों से होगी और उस एमएलए को भी मैं ही ठिकाने लगाऊंगा। इस नरसिम्हा का नाम सुनकर पूरा शहर कांप जाना चाहिए। एमएलए साहब जिंदाबाद। 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 बैठ बैठ। सर आपने एक एमएलए को मारा? हाँ मैंने उसको मारा है। क्या बोलना चाहता है बोल। सर आपने एमएलए को क्यों मारा? हमारी बनाई हुई लाइन को जो क्रॉस करेगा वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इस बात को छाप देना। और अगर पुलिस आपको क्रॉस करे तो? पुलिस? पुलिस को मैं बाल बराबर समझता हूँ। आपका एक फोटो ले लूं तो? फोटो? हाँ सर। आ ले ले। एमएलए की दिन दहाड़े हत्या और कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है यार?
चले। दो बड़ा एक चाय। दोस्त आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी प्रेमिका ने मुझे ये लेटर दिया है। मुंबई आओगे तो कहाँ ठहरोगे? और ये लेटर नहीं, मेरी जान है। ठीक है अपना नंबर दो। पढ़ता हूँ। रुको। मेरे जाने जी 2433 5314। ए मैंने नंबर लिख लिया है, इस नंबर पर फोन करके तुमसे बात कर लूंगा, हम लोग बात करते रहेंगे। अच्छा ये बताओ तुम किसी लड़की से प्यार करते हो क्या? अच्छा प्रॉब्लम क्या है पागल कहीं का? ए मैं बॉडी सोडा के नाम से अपने एरिया में मशहूर हूँ। मेरा एक नाम और है हॉट ब्लड। तुम सिर्फ अपने दुश्मन का नाम बताओ, मैं उसे मच्छर की तरह मसल कर ऐसे फेंक दूंगा। मैंने बड़ा मसल दिया भाई, अभी तक चाय नहीं आई। अरे तू उसका नाम बोल। तुम लोगों का काम हो गया ना, अब मेरे सामने कोई रुकना नहीं चाहिए। आउट। बी केयरफुल, सिर्फ मेरे लिए। हेलो। हेलो श्रुति, इसका लुक तो कहीं और है। हाय तरुण, आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं भी जानता हूँ। हाय, थैंक यू सो मच। क्यों? सही वक्त पर मदद करने के लिए। आप चाय पियेंगे? नहीं, मुझे क्लास के लिए लेट हो जाएगा। एनीवेज नाइस टू मीट यू, आई एम श्रुति। आपका नाम? तरुण। बहुत अच्छा है। मेरा नाम तरुण है। ओह नाइस नेम। एनीवेज सी यू लेटर। हे भागो। ऑटो पेशेंट को वार्ड नंबर 3 में शिफ्ट कर दो। ओके डॉक्टर। व्हाट हैपेंड? एक छोटा सा लफड़ा हुआ तो इसे चाकू लग गया। चाकू लगा? पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। उसमें टाइम लगेगा सर, पहले आप इलाज कीजिए फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे। अच्छा देखो यहाँ ऐसा नहीं चलता, जाओ यहाँ से। अरे कहा ना पहले पुलिस स्टेशन जाओ। पुलिस स्टेशन जाकर वापस यहाँ आने तक पेशेंट को कुछ हुआ तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मिस्टर हमारे भी कुछ रूल्स है, वी नीड पुलिस कंप्लेन, इट मस्ट। जाओ जाओ। सर इलाज कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? बिना पुलिस कंप्लेन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो। अब हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं, तुम मेरी कंप्लेंट करना और मैं तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ और फिर ट्रीटमेंट होगा। सर खून बह रहा है। अरे तो बहने दो ना, हम पहले रूल्स फॉलो करते हैं। ट्रीटमेंट फर्स्ट रूल सेकंड। मेरे ट्रीटमेंट के लिए इतने वायलेंस की क्या जरूरत है? ये वायलेंस नहीं है, इसे भी ट्रीटमेंट कहते हैं। अच्छा ये बताओ वो तुम्हें मारने क्यों आया था? पहले कभी मुझसे मार खाया होगा? तुम काम क्या करते हो? अब इस सवाल का इसे क्या जवाब दूं? वैसे आप क्या सोचती हैं? तुम कॉलेज खत्म करके शायद काम ढूंढते होगे या फिर दोस्तों के साथ टाइम। बात को इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधे पॉइंट पर आ जाओ। कोई काम धंधा नहीं है तो लफंगों के साथ आवारागर्दी करते हो। करेक्ट, मैं लफंगा ही हूँ। इस तरह घूमने की बजाय तुम काम भी तो कर सकते हो ना? ऐसे कौन घूमता है, पैसे मिलता है तो घूमता हूँ। क्या मतलब? मैंने आपके लिए डॉक्टर पर चाकू से वार किया, अगर यही वार मैं किसी और पे करता तो मुझे पैसे मिलते? कुछ समझी नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद काम ढूंढ कर करो। ओ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या सोच रही हो, मैं सही हूँ या गलत?
कुछ ही दिनों में खुद जान जाओगी। अब चलें। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है तुम्हें? ऑटो वाले को कैसे बुलाया? सीटी बजाकर। सीटी कैसे बजाते हैं? ये तो बहुत ही आसान काम है, जबान को थोड़ा उठा लो और उंगलियां अंदर रख लो, खुद ट्राई कर लो। अब मोड़ो उसे। कली खिली है दिल की मेरे, नजर तूने डाली, असर हुआ है तेरा मुझ पे, नजर तूने डाली, काबू नहीं मेरा मुझ पे, पिया पिया मान जा, धीरे 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 तुझमें खोने लगा मैं, प्यार मुझे जब हुआ पिया, इकरार मुझे जाना करना, दिल में मेरे कोई मेलोडी बजने लगा, दिल में खुशी छाने लगी, देखो मैं जब जब तुझको पिया, तुझको ही सोचूं मैं हर पल, नींद नहीं रातों को, अब तो समझ ले हाल तू दिल का, यूं न तड़पा मुझको, तेरी चीख अजब है अता गजब है, और कहूं क्या मैं तुझको, कली खिली है दिल की मेरे, नजर तूने डाली, कली खिली है दिल की मेरे, नजर तूने डाली, असर हुआ है तेरा मुझ पे, नजर तूने डाली, काबू नहीं मेरा मुझ पे, पिया पिया मान जा, देखा उसे तो दिल कहे उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, कैद मेरा दिल हो गया, खोया खोया रहता है कहाँ, जान ले रोग है प्रेम का, अमृत असर नहीं करता, ऐसे कब तक तड़पेगा तू, दिल कहाँ जा बता, दाढ़ी मेरी बड़ी राउडी गिरी छोड़ी, फिर भी वो पट्टी नहीं यार गया तू तो, कली खिली है दिल की मेरे, नजर तूने डाली, असर हुआ है तेरा मुझ पे, नजर तूने डाली, काबू नहीं मेरा मुझ पे, पिया पिया मान जा, धीरे 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 तुझमें खोने लगा मैं, प्यार मुझे जब हुआ पिया, इकरार मुझे जाना करना, आ जा, इंतजार तेरा दिल कर रहा यहाँ यहाँ, अरे क्या बात है पुलिस, श्रुति के घर पुलिस जा रही है, चेक करो,
आप कौन है सर? पुलिस, घर की तलाशी लेनी है। सर, क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन चलता है। कैसे बातें कर रहे हैं सर? नहीं समझी, वैश्यावृत्ति। सर आप गलत जगह पे आए हैं सर। सर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन है? दीदी है। घर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरी माँ और मेरी दीदी। पापा? पापा इस दुनिया में नहीं है। यहाँ कौन कौन आता जाता है? कोई भी नहीं आता यहाँ। बाहर जो छोटी वाला था वो कौन था? वो हमारा मकान मालिक है, कभी कभी यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब करता है, जैसे आप आए हैं। मुझे तुमसे बात करनी है, चल अंदर आ। बैठ बैठ बैठ। तेरा पति मर चुका है ना, तो बच्चों को कैसे पालती है? मेरी लड़की जॉब करती है। कहाँ है वो? अभी तक आई नहीं। क्यों? रात में धंधा करती है क्या? ए, अरे 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 अरे, रो क्यों रही है? हाँ, रो मत रो मत। एक लड़की की कमाई पे तुम लोग जी रहे हो, बुरी बात है। तुम अपनी बेटी से सिर्फ एक बार हाँ करवा दो, फिर देख मैं क्या क्या करता हूँ। तेरी बेटी को फूल की तरह संभाल कर रखूंगा, तुम लोग सुखी हो जाओगे। सोच समझ कर फैसला करना। पुलिस की तरफ से मैं तुम्हें फुल सिक्योरिटी दूंगा, सिर्फ तुम अपनी बेटी को मना लो, नहीं तो वैश्यावृत्ति के केस में कोर्ट, जेल, ये सब झेल पाएगी तू? जी जी। बच गए। अरे बाप रे, बगल वाला मास्टर मामू तो ये ना? सिर्फ मास्टर हूँ, मामू नहीं, नाम है बॉडी सोडा। ये क्या है रे? कुंग-फू। कुंग-फू। आज से तू यहाँ का वॉचमैन है। वॉचमैन? सिर्फ घर का ही नहीं, श्रुति का भी। उस पर किसी ने भी नजर डाली तो मुझे फोन करके बताएगा। खुद के घर का वॉचमैन? भाई भाई, सारे कुत्ते आ गए क्या? ये सभी मेरे पीछे पड़ गए, भागो। कौन है माजी? वो रहा। ए, वो पेपर ठीक से रखना। यहाँ का मालिक कौन है? क्यों, क्या काम है? ऐसा सुना है कि आजकल उसका दिमाग बहुत खराब है। किसने बोला? जानता है ये कौन है? ये तो मेरी अरबा माँ, माँ। इनकी जायदाद को हड़प कर बेच दिया और इनको अनाथ आश्रम में डालकर पूछता है कि ये कौन है। पैर पकड़। माता जी, मुझे माफ कर दो। इस तरफ आते रहेंगे, अगर गड़बड़ की ना। शॉपिंग कर ली तुमने? नहीं सर, अभी बाकी है। ठीक है, फिर मेरे लिए वेट मत करना। ओके सर। बहुत मारूंगा तुझे। पापा के। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, फ्रेंड से मिलने हैं पापा। क्यों बेटा, ये सभी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? चलता हूँ दोस्त। ठीक है भाई। ये लोग तुम्हें मार क्यों रहे थे? वो मार का रहे थे सर, वो तो मसाज कर रहे थे। बढ़िया मसाज थी। एक्सक्यूज मी, वो बंदर वाला टेडी बियर कितने का है? वो आईना है सर। मेरी शक्ल ऐसी है क्या? श्रुति, श्रुति, तेरे पापा बार बार अपने लफड़े के बीच में आ रहे हैं, समझा दे उन्हें। हाय। हाय। अरे अचानक गले क्यों मिल रहा है? शॉपिंग करने आई हो क्या? और तुम? वार्निंग। वार्निंग? अरे छोड़ रहे, लिफ्ट में जाना है। चल लिफ्ट को बीच में रोकते हैं, कुछ करते हैं। इसे अच्छा आदमी समझा था, लेकिन ये भी बाकियों की तरह निकला। पोस्टर की तरह बिहेव करेगा क्या? बाप रे, ये तो मुझे ही देख रहा है। गहरी गहरी सांसें भी ले रहा है। ओह गॉड, बचा लीजिए मुझे। गॉड 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 गॉड, बचा लीजिए मुझे। बचाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। ए, वायर निकाला कि नहीं? निकाल दिया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे कोई है, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई यहाँ से बाहर निकालो मुझे, अरे बाप रे, हेल्प हेल्प। क्या हुआ?
वो क्या है ना, मैं एक जवान लड़का हूँ, ऊपर से मैं अकेला हूँ। अगर आपने कुछ गलत सलत कर दिया तो इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने। थोड़ी ओवर एक्टिंग नहीं लग रही? जिस तरह आप मेरे बारे में गलत सोचती है ना, वैसे मैं भी आपके बारे में गलत सोच सकता हूँ। आखिर अपने भी तो कुछ इज्जत है। मैं आपके बारे में गलत सोचती हूँ ये आपको कैसे पता चला? All details, I know. सारी लड़कियाँ लड़कों के बारे में ऐसा ही सोचती हैं। मेरी शूटिंग लिफ्ट में है और लिफ्ट करो क्या? अरे बदतमीजो लिफ्ट चालू करो। भाई साहब आओ मेरे साथ। अरे यार लिफ्ट रुक गई है। हाँ पता है। खोल रहे हो ना? इतनी जल्दी? और एक घंटा लगेगा। नहीं 10-15 मिनट में खोल देंगे। क्या बात कर रहा है यार, एक घंटा? अच्छा तो ठीक है, एक घंटे तक लिफ्ट बंद रहेगी। एक घंटा तो लगेगा। इतना टाइम लगेगा, मेरा तो दम ही घुट जाएगा। वो तो अच्छा ही होगा, सारी तकलीफ खत्म। सेल फोन बिल, करंट बिल, घर का रेंट, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉपिंग भी कैंसिल, आईब्रो बिल, लिपस्टिक, इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो वैसे भी ज्यादा मेकअप नहीं करती, सिर्फ फेस वॉश यूज करती हूँ और थोड़ी सी लिपस्टिक। ये क्या है? जस्ट क्रीम। सिर्फ मुंह ही चला रहा है, मुंह से ही रिपेयरिंग करेगा क्या? आप किसी से प्यार करते हैं? आप? मैं जो क्वालिटी ढूंढ रही हूँ वो अब तक किसी में नहीं दिखी। कैसी क्वालिटी चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, किसी बड़ी पोस्ट पर होना चाहिए और साथ ही साथ बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। ये जो बोल रही है इसमें से एक भी क्वालिटी मेरे पास नहीं है। कुछ कहा? मुबारक हो, ये कह रहा था। आपको कैसी लड़की पसंद है? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्यों? उसका जवाब नहीं है मेरे पास, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे लड़की के नाम से नफरत है। क्या हुआ? पुरानी आदत है। लिफ्ट रेडी है तो चालू करो। एए, तुम लोग पहले ही मुझे बहुत मार लिए, अब मार नहीं खाऊंगा। तुम लिफ्ट चालू करो, वो सीधे 3rd फ्लोर पर ही रुकनी चाहिए। यही ना? यही यही। ये क्या कर रहे थे? मुझ पे शक कर रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं जा रहा हूं। अब गुस्सा मत होइए, पता नहीं मैं ही क्यों गलत समझ बैठी। सब कुछ ओके है ना? अरे क्या ओके यार, मुझे कितना शेक हो रहा है जानता है? अब तो ओके है ना? अभी ओके है। आपको ओके है क्या? ओके ओके बोल रही है। ओके ओके। खुशबू बहुत अच्छी है। वो क्या है ना? हाँ। मेरे पास ओ। 3 फ्लेवर्स के हेयर स्प्रे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है। अरे जल्दी चालू करो। इतना डराना जरूरी था? चलो श्रुति। अली भाई के आदमी पहले हफ्ता ले जा चुके हैं भाई। कौन है अली भाई? कौन है अली भाई? मैं किसी अली भाई को नहीं जानता। अली भाई को नहीं जानता? बोला ना तेरे को, मैं नहीं जानता। कौन? गुरु, क्या बात है? मीटिंग अरेंज करो। इसलिए सुन ले, मीटिंग में तरुण को भी बुला ले। लेकिन उसे क्यों? उस दिन पुलिस को देखकर तेरा पैंट ढीला हो गया था। तेरी तो ए, ले, जल्दी से फोन लगा। मैं? पहले 9 8 4 1 0। भाई देख लेना, वो भी आने वाला है भाई हमारे एरिया में। ए, मुझे इसकी शक्ल देखने दो। ऐसे घूर क्या रहा है बे? प्यार करता है क्या मुझसे? उसका पैसा लेकर उसे ही मारने की कोशिश की, अब तू अपना रास्ता बदल कर मेरे रास्ते में आ रहा है। मेरे लिए तो सब बराबर है, अगर तू मुझे पैसा दे तो मैं इसको भी मार डालूंगा। ए,
तो आदमी है या फिर जानवर हो तो फिर मैं तेरा शिकार करूंगी। पहली शर्त, ना हम तेरे एरिया को टच करेंगे ना तू हमारे एरिया को टच करेगा। दूसरी शर्त, ये दास मुझे चाहिए। ए, तू मेरी बात कर रहा है? तू मेरे को जानता नहीं है? पेपर में फोटो आ गया तो सेलिब्रिटी समझ रहा है? तू क्या समझता है, यहाँ पे सिर्फ मेरी चलती है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे एरिया से धमकी देके पैसा लिए तूने? हाँ लिए, क्या कर लेगा तू? और अली भाई को नहीं जानता, ये भी बोला? मैंने बोला तो, ये अली भाई का ऑनर है। गुरु बैठो 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 बैठो। उसको ये मैटर डील करने के लिए मैंने कहा था। अली भाई कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता। गुरु ये मीटिंग किसके लिए रखी है? अब तो ऐसा लग रहा है कि सबको खत्म करके ही जाना चाहिए। अबे मेंटल मुंह बंद कर, कटे कर बात कर, जानता है कहाँ बैठा है तू? तुझे दिखता नहीं किसके सामने बैठा है तू? हाँ समझ में नहीं आता तेरे को? हाथ हटा। मुझे बोलता है हाथ हटाने को? मुझे बोलता है, दिखाओ तेरे को। गुरु अभी तुम बताओ करना क्या है, खत्म कर दूं? मैंने तो फैसला कर लिया है, खाली तुम हाँ बोल दो मैं खत्म कर दूं। क्या कहा? अभी अभी आया और मेरे से पंगा लेता है तू? कभी आया ये जरूरी नहीं, गोली कैसे मारता है ये जरूरी है। अली भाई को नहीं जानता है? अली भाई को नहीं जानता तू? जाने दो ना, वो कैसे जानता होगा, उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ए मेंटल भाग बोल रहा है तू? इसकी हमें जरूरत है क्या? मुझे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है तू? हाँ चलो रे सब लोग, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। ए आजा। सभी लोग आ गए हैं, कॉफी चाय सब कुछ हो गया? आप क्या बात कर रहे हैं सर? गुटका सिगरेट और कुछ लेंगे आप? आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक नहीं उड़ा रहा, सच कह रहा हूँ। खाना खाना, सोना, घूमना, ऐसे ही लाइफ चल रही है। सवाल पूछिए। इस मामले के पीछे क्या वजह है सर? ये दो गैंग के बीच का झगड़ा है, क्यों लड़े, क्यों गोली मारी, अभी तक कुछ पता नहीं। इतनी जाने चले गई और आप ऐसे बोल रहे हैं? तो फिर अवकाश घोषित करके राष्ट्रीय झंडे को झुका दें क्या? एक ऑफिसर होने के नाते आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सर? बिल्कुल सही, मुझे इसी सवाल का इंतजार था। किसी अपराधी की तलाश जब पुलिस कर रही होती है तब आप उसके पास जाते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं, दावत खाते हैं, मस्ती करते हैं और वहाँ से वापस आकर अपने अखबार में फ्रंट पेज पे उसकी फोटो छापते हैं और उसे हीरो बना देते हैं। क्यों? आप सब कुछ जानते हैं लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते। लेकिन करेंगे भी आप क्यों? प्रेस की आजादी में टांग अड़ा रहे हैं? कैसे प्रेस की आजादी, कौन से प्रेस वाले को जानते हैं आप? राजकुमार अमरेंद्र, प्रिया भास्कर, बोलिए, ये भी तो प्रेस वाले हैं। उन्होंने जिस कलम का इस्तेमाल किया आप भी वही करते हैं, लेकिन आप लोग कैसे लिखेंगे एक 10 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, इसे बड़े अक्षरों में छापते हो। इतना ही नहीं, उसकी बड़ी सी तस्वीर छाप कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। और जब हम अपराधी को अरेस्ट करते हैं तो उसके बारे में लिख कर उसे VIP बना देते हो, जिससे अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ जाता है और उन्हें छुड़ाने के लिए बड़े से बड़े वकील आ जाते हैं। जबकि कोई इंडियन अमेरिका में रिसर्च करके गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो आप लोग उसके बारे में अखबार में छापना तक पसंद नहीं करते। न्यूज को कैसे कवर करना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। कहाँ से हैं आप? महानगर की आवाज़ पत्रिका से। अच्छा, आप वही हैं जिसने लिखा था कि एक्सीडेंट के बाद लॉरी का ड्राइवर और खलासी दोनों फरार, और वहाँ जो मरे थे उसके बारे में लिखने की आपने जहमत तक नहीं उठाई। आप लोग अपनी बीवी बच्चे के साथ रात में आराम से सोते हैं लेकिन हम लोग इस वर्दी में दिन रात ड्यूटी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इस देश की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, यही छापते रहते हैं आप लोग। इस मैटर पर क्या प्रोग्रेस है सर? मैं क्या TV रिपोर्टर हूँ, फिर भी बताता हूँ कि आप क्या करते हैं।
संस्कार की सारी सीमाओं को पार करके बहू की इज्जत लूटने वाले ससुर का तांडव देखिए बाकी आफ्टर द ब्रेक। यही सब दिखाकर आप लोग अपना टीआरपी बढ़ाते हैं। लोग यही चाहते हैं सर। लोग नहीं, सिर्फ आप ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि यूनिफॉर्म में हर पुलिस वाला एक आम आदमी है, समझे? और हर आम आदमी एक पुलिस वाला है। समाज के हर आदमी की रक्षा के लिए है पुलिस। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। लिखिए, सत्यमेव जयते। हाय। घर जा रही हो? या। ये क्या है? कलर बॉक्स? टिफिन बॉक्स, उपमा। बचा है? नहीं, खत्म हो गया। अभी मैं इन दोनों को इंस्पेक्टर के हवाले करता हूँ। सेल नंबर मिलता तो अच्छा होता। आपका सेल नंबर? लाइए लाइए। इससे मैं अपने सेल फोन पर एक मिस कॉल करता हूँ। थैंक्स। आओ। साहब जी, भगवान के नाम पे एक रुपया दे दो साहब जी। पीछा करना बंद करो नहीं तो मार खाओगे। बाकी दांत भी तोड़ दूंगा, चल जा। इस गेटअप में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। एक्सक्यूज मी। यस। वो आने वाली हैं। कौन? मेरे हस्बैंड बाथरूम गए हैं। हाँ, लोकल ट्रेन में बाथरूम कहाँ होता है? ठीक है, उठिए। क्यों? उठिए बहन जी। पर क्यों? ए, उठे। What? क्या वॉट लगा रखा है? मोटी, एक घूसा दूंगी ना तो तेरी पूरी शक्ल बिगड़ जाएगी। This is too much. धमकियां मत दे, जा जा। मैं भी चलती हूँ। Sister, you don't panic. Please be seated. Sit. ठीक है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे, रूप बदल के आया है, फिर मार खाएगा। एक लड़का दो लड़कियों से मस्ती कर रहा है, अभी तक मेरी वाली नहीं आई। हाय। अबे तेरी बहन कहाँ है? वो तो कब के घर चले गए। ठीक है, तू तो आ गया। ए, यार एक बार अपनी बहन को मुझे फोन करने के लिए बोल देना। ओहो, तो फोन पर भी बात करना शुरू कर दिया? अभी अभी शुरू किया। ओके ओके, बोल देता हूँ उसको। तू तो बहुत ही स्मार्ट है यार। अरे यार, मुझे एक डाउट है। अगर फ्यूचर में तेरी बहन तेरे साइज की होगी तो मेरा क्या हाल होगा? इट्स ऑल फेट, अपने हाथ में कुछ नहीं होता। हाँ, सही बोल रहा है। ये डिब्बे में क्या है? उपमा। परिवार के सभी लोग उपमा खा खा कर बड़े हो रहे हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे ट्रेन से उठा के बाहर फेंक देते। ए, अपना मुंह बंद कर। तुम लोग मुझे क्या समझते हो? मैं इतनी मेहनत से गेटअप बदल कर आता हूँ और तुम लोग मुझे पहचान जाते हो? मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? कैसे पहचाना तुम लोगों ने? रडार लगा रखी है क्या? हमने रडार नहीं लगाया बे, तू खुद ही अपने सर पे रडार लेकर घूम रहा है। इतना गेटअप बदलने के बाद ये लोग मुझे पहचान जाते हैं, क्या करूं मैं? भाई, मुझे उठाकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दो। अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेन रुक गई है। रुक गई है? चले, मैं जा रहा हूं ना। हाय लक्ष्मी, तूने अपनी बेटी से बात कर ली ना? घर का भाव? सर, प्लीज सर, मेहरबानी करके हमें तंग मत कीजिए। क्यों? तुझे और तेरी बेटी को मर्द की जरूरत नहीं पड़ती क्या? सर, वो थापा मुझसे 50 लाख रुपए मांग रहा है, कहता है पैसे नहीं दूंगा तो बेटे को मार देगा। ये बात है, अभी चेक करता हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो मेरे भाई? तुम तुरंत यहाँ चले आओ। अच्छा, ये डील करवा दी तो तुम मुझे क्या दोगे? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? इसे क्या दोगे? सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना क्यों बोल रहे भाई, शराब और शबाब के मजे लो, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। क्यों भाई? ए थापा, मुझे देख के हंस रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नया पीसी है, पैसे लेने से मना। अच्छा। कर रहा है, कमाना नहीं जानता ना, राष्ट्रपति से मेडल लेना चाहता है। ए, तू शूटिंग में फर्स्ट आया ना, चल इसे शूट कर। सोचता क्या है, चल शूट नहीं, कर। नहीं, नहीं सर। अरे तू डर मत यार, थापा पर निशाना लगा,
अबे सोचता क्या है, शूट कर बोला ना, चल शूट कर, शूट कर ना, अबे शूट कर ना, शूट कर, शूट कर। सर ये क्या, तूने शूट कर दिया? हाँ ये कितना बड़ा आदमी है जानता है तू? इतनी आसानी से मार दिया, तुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना, अब क्या करूं मैं, व्हाट टू डू? सर माउंट रोड के जेके कॉम्प्लेक्स में हमारे इंस्पेक्टर मनोज और गुंडे थापा ने एक दूसरे पर गोली चला दी सर, कुछ पुलिस वालों को भेजिए सर। क्यों भाई, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ना, दो जाने चले सर, वो 50 लाख रुपए अब आप ही ले लीजिए। छी 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 छी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं रे, मेरी बीवी को ऊंचाई पर जाकर नीचे देखने का शौक है, इसलिए बड़ा सा घर चाहती है, तू एक काम कर 10वीं फ्लोर मुझे दे दे। लेकिन सर वो 1.5 करोड़ का है। बस इतना ही? तो फिर 2 फ्लोर दे दे सर। ए, इस एनकाउंटर में तू जिंदा बच गया समझ ले, नाम पद्मावती, उसी के नाम से रजिस्ट्री करना। ओके ओके बोल, गुड। माँ आराम से, एक्सलेटर को आराम से रेस करो, ऐसे, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी सीख लिया माँ आपने। जिसने मेरी लादी को ठोक दिया। ए, तू ड्राइवर है क्या? हाँ मैं हूँ, क्यों? चल उतर नीचे, उतर। क्यों रास्ते पर पानी गिराते हुए जा रहा है? पानी ही तो है। पानी की क्या वैल्यू है तुझे पता नहीं है? इसी पानी की वजह से सरकार बदल जाती है, जल ही जीवन है, तू जानता नहीं है क्या? अबे चाइनीज, तेरा ये काम नहीं है। कुंग-फू मास्टर का पान करता है, खेले। अब पानी का बहना मुझे ही रोकना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो और ज्यादा बहने लगा। ये 1.5 फुट का ड्राइवर कहाँ भाग गया? इसके भरोसे पर इतनी बड़ी लॉरी किसने छोड़ दी है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या चक्कर है? झरना पीछे से क्यों बह रहा है? झरने की बात मत कर, पहले हाथ से पानी बंद कर। ऐड करता हूँ। अरे हाथ से नहीं बंद हो रहा है। तो सिर लगा दे बे। अब क्या करूँ? अब आओ कलीजर। पीछे पीछे लाइन में, पहले आया हूँ, कोई लाइन ही तोड़ के आ गया, सब पीछे लाइन में, चलो चल 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 लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, क्या तुम भरोगे क्या? ओ माँ, आश्चर्य पाइप है। अरे आश्चर्य नहीं है, कनेक्शन डाइवर्ट हो गया है। आज के बाद हमारे लिए लॉरी मत भेजना, इसी आदमी को भेजने काम हो जाएगा। हमारी गली में आए हो, पानी को तुम ले रहे हो? मैं पहले आ गया लाइन में। ये सुन, ये बहुत गलत बात है, मैं लाइन में पहले आया था और पाइप तूने फिट कर दी। मुझे सिर्फ 5000 लीटर पानी चाहिए, बाकी का पानी तुम ले लेना। अरे मैं ये चलेगा, पुश तो करेगा। अरे बाप रे, लोग मुझे मार डालेंगे, चलो भागो। अरे बाप रे, मैं कहां फंस गया? कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ। बाप रे, सुपर शॉट यार। कौन है? मैं हूँ बॉडी सोडा, जिसे आपने वॉचमैन बनाया था सर। आइए सर आइए, मैंने आपसे कहा था ना, श्रुति के पीछे एक आदमी घूम रहा है, वो आदमी यही है सर। वो जिसके गले में ब्राउन कलर का रुमाल बंधा है ना, वही है सर। ए, सब लोग पीछे जाओ, मैंने कहा सब लोग पीछे जाओ, इसे चेक करना है, पुलिस, चलो जाओ। उस दिन तुझे गन मिली थी जो तूने मुझे दे दी, अब सुना है कि तुम्हें श्रुति नाम की एक लड़की मिली है। ये क्या है बताओ, गांजे का बिजनेस करते हो? देखो, गांजे का बिजनेस करता है ये, बताओ, बोल रहे? लॉकअप में डालकर मैं तेरी क्या हालत करूंगा सोच ले। क्यों क्यों? इसके ए ए ए ए ए ए ये कहां गया रे? ए कहां गया? रुक जा रुक जा रुक जा,
गांजा का बिजनेस। तो जिस स्कूल में पढ़ता था उसका मैं हेडमास्टर था। वो लड़की मुझे चाहिए। ए, जो गन मैंने तुझे दी थी ना वो मेरी ही थी। देख बुलेट्स भी मेरे पास। तू मेरे साथ खेल रहा है? तूने जो बुलेट यूज की है उसका गवर्नमेंट को हिसाब देना होगा, लेकिन मुझे हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं, आराम से तेरे साथ खेल सकता हूँ। मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। अबे सुन, मैं तेरे पुलिस स्टेशन में आया हुआ नया कांस्टेबल लग रहा हूँ। वो किस तरह हमारा बताऊं तुझे? बोलना बताऊं? पद्मावती फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? टाइल्स डाल रहा है ना, टाइल्स। ठंडी ठंडी हवा देने वाला एसी बिठा रहा है ना उसमें। विंडो से सारे शहर का नजारा देखना चाहता है ना। क्या हुआ, हवा निकल गई तेरी? श्रुति सिर्फ मेरी है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। ए, वो गन भी मेरी थी और श्रुति भी मेरी है। बाप रे, बाप मर गया। संगीता, अपना मोबाइल नंबर देना। 9941। इधर आ। तू अपने आप को क्या समझती है? एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो? अपनी चोंच बंद रख। सर, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। जा जा जा, बोला ना। क्यों, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, मर चाहिए ना तुझे? कौन है वो, कौन है वो? बॉयफ्रेंड है ना, तो मैं क्या हूं? तेरी माँ ने बताया नहीं, मुझे तू चाहिए, तू सिर्फ मेरी है। और वो कह रहा था कि श्रुति मेरी है, कह रहा था कि वो तेरे लिए कुछ भी करेगा। ए, अगर आज के बाद मैंने कभी तुम्हें उस गुंडे के साथ देखा ना, तो याद रखना। श्रुति सिर्फ मेरी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जो भी कह रही हो सही है, लेकिन वो शहर में गुंडागर्दी करता है। ए, वो बस छोटी छोटी गलतियां ही तो करता है, मुझे यकीन है मैं उसे सुधार लूंगी। तुम उससे इतना प्यार करती हो दीदी? हाँ छोटू। हेलो। हेलो, मैं श्रुति की फ्रेंड जया बोल रही हूँ। मैं तरुण का फ्रेंड अकेला बोल रहा हूँ। सॉरी, मैं श्रुति बोल रही हूँ। बोलिए। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। किस लिए? Actually, I just want to tell you something personally. So, can we meet? Please, it's really important. डोला 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 दिल मेरा, अब होगा वही दिल जो चाहे मेरा। जादू ऐसा तेरा मुझ पे चला, हो गई मैं तेरी दिल ने कहा। मेरी नजरों से बचना मैं हूँ कातिल, मेरी रग रग में नागिन का जहर है शामिल। तू पिघल जाएगा मेरे लब से, साहिल नहीं मेरी नजर का। मैं तो किसी के आऊं हाथ ना, पर तुझको देख मुझे होता है क्या। होगा होगा वही होगा तेरा, चाहे चाहे जो दिल ये मेरा। हाले हाले तू दिल लेके आजा, धीरे 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 दिल में कोना कोना। Bye.
तेरी मैं हौले हौले मुझ पे चढ़ा नशा तेरे प्यार का, कभी बल खाती हूँ कभी लहराती हूँ, दिल में है तेरी तस्वीर, तेरे जैसा दूजा कोई नहीं सजनी करना बेकरार, तेरे जैसा दूजा कोई नहीं सजनी मेरा है तू प्यार, अंडोला रे डोला रे दिल डोला रे डोला रे, तन बहका बहका मन महका महका, हे गोरिया यादों में बसाया है अपना बनाया है, उस पे लुटाऊं प्यार दिन रात मैं, आंखों से नींद गई दिल से चैन गया, बिन पे नागिन बनी नाची मैं, तेरे जैसा दूजा कोई नहीं सजनी करना बेकरार, तेरे जैसा दूजा कोई नहीं सजनी मेरा है तू प्यार, अंडोला रे डोला रे दिल डोला रे डोला रे, तन बहका बहका मन महका महका, मेरे नजरों से बचना मैं हूँ कातिल, मेरी रग रग में नागिन का जहर है शामिल, तू पिघल जाएगा मेरे लब से साहिल नहीं मेरी नजर का, मैं तो किसी के आऊं हाथ ना पर तुझको देख मुझे होता है क्या, होगा होगा वही होगा तेरा, चाहे चाहे जो दिल ये मेरा, हाले हाले तू दिल लेके आजा, धीरे 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 दिल में खोना 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 खोना, show you what I should have there। तुम बोर हो रही थी इसलिए तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार तुमसे मिल ही लेते हैं, लेकिन यहाँ तो अब मुझे भी बोर लग रहा है। अगर दिल में कोई बात हो तो उसे बताने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ही कहूँ वो बात, तुम नहीं कह सकते, जानने के बाद भी नहीं कहोगे। तुम मेरी नॉलेज के बिना मुझे फॉलो करते हो, अगर देख लिया तो कहीं और जा रहे हो ऐसी एक्टिंग करते हो। मुझसे फोन पर बात करते वक्त ही तुम जानते थे मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ना जानने की एक्टिंग करके भोले भाले बन के बैठे हो। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन तुम तो बहुत ही चालाक लग रही हो। मैं चालाक हूँ? दुनिया में कौन चालाक नहीं है, बाहर से भोले भाले बनते हैं, जैसे तुम मैं। ठीक है, काम की बात करो। मेरे जैसी तकलीफ दुनिया में किसी को ना हो। कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एक्चुअली मेरे ड्रीम बॉय में जो क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हें चाहने लगा है। मैंने कई बार खुद से पूछा क्या तुम मेरे लिए सही हो, पर हर बार एक ही जवाब मिला, तुम ही मेरे ड्रीम बॉय हो। मुझे अच्छे से पता है हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं, लेकिन ये बात अगर तुम कहते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। करेक्ट, मैंने भी पहले यही सोचा था लेकिन कह नहीं पाया, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, और कुछ काम भी नहीं करता, लेकिन सब लोग कहते हैं कि मैं दिखने में बड़ा हैंडसम लड़का हूं, कैसे भी सोचो लेकिन मैं तुम्हें मैच नहीं करता। तुम्हारी यही खूबी तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे देखा जाए तो मुझसे ज्यादा तुम में खूबियां हैं, इसलिए मैं तुम्हें मैच नहीं करता। क्यों? मैं कितना कमीना हूं यह मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी तुम मुझे बहुत पसंद हो। इस बारे में ठीक से सोच लेना,
एक बार मैंने फैसला किया तो मैं किसी की नहीं मानता। आंखें बंद करो। किस लिए? Just close your eyes. I अगर तरुण मरा कि नहीं, फोन कर। भाई रिंग बज रही, वो उठा नहीं रहा है। दे। क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठाओ। तुम सोच रही हो कि मैं लफंगा नहीं हूं। क्रिमिनल,
अब भी कहोगे तुम आई लव यू? लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, एक बार फिर से सोचकर बता देना। मास्टर जी, गेट अप। आपका असिस्टेंट क्यों रो रहा है? क्या हुआ मास्टर जी? को कभी रोते हुए देखा है क्या? इसीलिए मैं अपने बदले में उसे रोने के लिए कहा है। पुलिस और गुंडे के बीच में मेरा प्यार फंस गया है पूरी तरह से। बॉडी सोडा मेरा नाम था, मुझे वॉचमैन बनाकर मेरे ही प्यार से खेल रहा है। मैं हेड इंस्पेक्टर एंड वो गुंडा, मोर ब्लैक बास्केटबॉल इन द माय लाइफ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। आओ चले आओ, तुम जाओ जाओ। चंगी मंगी आ राजा। श्रुति, क्लास का टाइम हो रहा है, तुम्हें जाना नहीं है? नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। शहर के एक टूरिस्ट प्लेस में दो गुटों के बीच में गोलीबारी हो गई, जिसमें 12 खतरनाक गुंडे मारे गए हैं। पुलिस कमिश्नर मोहम्मद मोइनुद्दीन खान इस केस की छानबीन कर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता से हुई कुछ बातचीत के अंश हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द ही लौटेंगे। वही होगा, बात कर उसे। जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। नरसिमा के लोगों को क्या मैंने मारा है? मेंटल है वो। क्यों? उन्हीं लोगों ने शुरुआत की थी। उसका रिएक्शन क्या हुआ जानते हो तुम? क्या हुआ? नरसिम्हा ने गुरु को मार डाला। दूसरा टारगेट तू है। गलती से अगर तू पुलिस के चक्कर में फंस गया तो तेरा एनकाउंटर कर देंगे। पहले तू वहां से निकल ले। सभी को सतर्क रहने के लिए कह दो।
बदल नहीं सकते क्या? क्यों करते हो ये सब? तुम फिर से वही हरकतें कर रहे हो। मुझे लगा था तुम मेरे लिए बदल जाओगे। बताओ मैं क्या करूं? तुमसे प्यार करूं या तुम्हें बुला दूं? भूल जाओ। झूठ मत बोलो, सच बोलो। कोई पल ऐसा नहीं होता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम सब लोगों को इस तरह क्यों मारते रहते हो? बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हो? श्रुति, तुम एक बात समझ नहीं पा रही हो। मैं तो बहुत गलतियां करता रहता हूं। ये भी गलती जो मैंने की है वो मेरे लिए नई नहीं है। ये तो पहले से ही करते आ रहा हूं। लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। क्यों मुझसे प्यार करती हो? ये तो गलत है। मैं तो कोई गलती नहीं कर रहा हूं। अभी तक मेरे लिए कोई नहीं रोया है, तो फिर तुम क्यों मेरे लिए रो रही हो? मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी मैं। तुम हो कौन? तुम्हारे लिए मैं क्यों रोऊं? मेरा तुमसे आखिर रिश्ता क्या है बताओ? कुछ नहीं ना? तो फिर नहीं रोऊंगी। Had enough charm on me. मैं उसके ख्यालों में खोया हूँ, वो मेरे ख्यालों में खोई है। हम तो बदन एक जा हुए। उओ, 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 उओ। मैं उसके ख्यालों में खोया हूँ, वो मेरे ख्यालों में खोई है। हम तो बदन एक जा हुए। उओ, 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 उओ। मैं तुझको सोचूं और चाहूं, कह दूं I love you Tamil। मैं तेरे संग रात बिताऊं, कह दूंगा you Tamil। तू प्यार करे मुझे Tamil, मैं प्यार करूं तुझे Tamil। तू Tamil, मैं Tamil, T-A-M-I-L Tamil। भवरा हूँ मैं तो कच्ची कली, पास आने दे मुझे छू लेने दे। अंग अंग बहके है जब तू छुए, प्यार से मुझे तू, प्यार से मुझे। तूने धड़काया दिल मेरा हर घड़ी, तू ही बता अब संभालू मैं खुद को कैसे। तेरे वास्ते खुद को बुला, यकीन नहीं मैं तुझको सोचूं और चाहूं, कह दूं I love you Tamil। मैं तेरे संग रात बिताऊं, कह दूंगा you Tamil। तू प्यार करे मुझे Tamil, मैं प्यार करूं तुझे Tamil। तू Tamil, मैं Tamil, T-A-M-I-L Tamil। नहीं जो
जोड़ी बन जाती ऊपर से बस दो पल में, मुझको भी किस्मत से मिल गई तू दो पल में, तेरे वास्ते खुद को बुला यकीन नहीं तो आजमा। मैं तुझको सोचूं और चाहूं कह दूं I love you Tamil, मैं तेरे संग रात बिताऊं कह दूंगा you Tamil, तू प्यार करे मुझे Tamil, मैं प्यार करूं तुझे Tamil, तू Tamil मैं Tamil T-A-M-I-L Tamil। मैं उसके ख्यालों में खोया हूं वो मेरे ख्यालों में खोई है, हम दो बदन एक जा हुए। ओ ओ ओ ओ अरे बाप रे बाप, कंट्रोल नहीं होता। अरे बाप रे, कोई आया तो नहीं? साइकिल की घंटी क्यों बजा रहे हो? रास्ते में क्यों खड़े थे? अरे लेकिन मैं तो साइड में खड़ा था ना, पागल हो गया है। अब करता हूँ। अबे ये कौन आ गया? माँ आप नीचे उतरिए। मुझसे कंट्रोल नहीं होता और ये जा नहीं रहा है। भाई आप समझते क्यों नहीं है, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो यही छोड़कर चले जाइए ना। सर आप थोड़ी हेल्प करेंगे? चाहिए? सर प्लीज धक्का मार दीजिए ना। हे भगवान, अब कर लेता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान हो गया क्या? जाओ ना। ओह हे भगवान, अब कोई ना आए। पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर जानवरों की तरह गंदगी फैला रहे हो, शर्म नहीं आती? मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, कभी भी आ सकता है। कभी भी आए तो क्या? अरे जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये क्या करेगा? तो उस दिन पुलिस वाले के साथ थे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही आया था। तुम कौन हो? मंकी। जरा नाम तो देखो, मंकी। चलो बाइक पे बैठो। अरे बाइक पर क्यों बैठा रहे हो? अरे किसी सेफ जगह पे छोड़ देता हूँ, चलो बैठो। अरे मैं सेफ हूँ यार, तुम जाओ यार। अरे रुमाल तो ऐसा निकाला जैसे पिस्तौल निकाली हो। अरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, साइड में रोको ना। नहीं अच्छा इधर रोको। नहीं रुकूंगा। अरे यार मेरी जान चली जाएगी, गाड़ी रोको ना। ये आवाज कैसी आई? कहीं टायर तो नहीं फट गया? अरे टायर वायर नहीं फटा, टैंक लीक हो गया है। पेट्रोल टैंक? पेट्रोल टैंक नहीं, यूरिन टैंक है। छी छी। अरे जरा अपनी शक्ल तो देख, इतना बड़ा गधा हो गया लेकिन बाइक पर बैठकर पेशाब कर रहा है। मुझे दोष दे दो, मुझे दोष दे दो। मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे जोर की लगी है, तुमने बाइक पर बिठाकर जबरदस्ती यहां तक लाया कि नहीं? नीचे गिरकर भी पोस्ट तो देखो, चुपचाप गाड़ी धुलवाकर मेरे पास भेज देना, वरना चोटी रहेगी लेकिन सर नहीं रहेगा। भाई, अली भाई आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या? आ चुके हैं। अरे तू इतना डर क्यों रहा है? तू तो मुझे शूट करने वाला था। सर सर, नरसिम्हा मारा गया। इन्फॉर्मेशन मिली कि अली भाई ने उसे मारा है। हेलो, हाँ पापा हैं, होल्ड कीजिए। बेटी तुम अंदर जाओ। हाँ हेलो। हेलो हेलो। ए कौन है तू? तू कौन है? ए, मैं इंस्पेक्टर गोविंद बात कर रहा हूँ। सर मैं आपका वॉचमैन बोल रहा हूँ। तू उस घर में क्या कर रहा है बे? भाड़ा लेने आया था सर, कॉफी पी रहा हूँ। कॉफी पी मत, अपने सिर पर डाल। ओके डाल दिया सर। लक्ष्मी को जल्दी फोन दे। लच्छू तुम्हारा फोन। हेलो। हाँ लक्ष्मी, आज का दिन अच्छा है, सुहाग रात की तैयारी करके रखो, मैं फल और मिठाई लेकर आ रहा हूँ।
प्लीज मेरी बेटी की जिंदगी खराब मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हम इज्जत से जीना चाहते। ओ, इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हो? आजा रे, आजा। चल चल। अरे कौन है तुम लोग? चल चल इनको। अरे दरवाजा खोलो, मेरी बेटी को छोड़ दो। बचाओ। अंकल अंकल मेरी दीदी को बचा लो। अंकल प्लीज। अंकल आप तो बचा लीजिए ना, अंकल प्लीज। छोड़ो मेरी बेटी को। शाने बनती है। बेटी तरन, तुमने बहुत देर कर दी। जो आए थे उन्हें पहचान सकती हो? मैं पहचान सकता हूँ। चल। ये, ए, बैठ। ये भी नहीं मिला। ये था। नहीं। हाँ ठीक है। ए कांस्टेबल। हाँ सर। तो भाई के दुकान पे जाके 4 किलो चिकन लेकर आ। ठीक है सर। और साथ में पैसे लेकर आना। बिल्कुल सर। जा। ए सोन, वो मच्छी दिखा। वही मच्छी दे। वो मच्छी 4 किलो काट के रखना, कांस्टेबल को भेजता हूँ। और सोन, इसी तरह दूसरा पार्सल तैयार रखना, मेरा ड्राइवर आके ले जाएगा। कौन था? कौन था रे? पता चल गया ना तो एनकाउंटर कर दूंगा। ए, तुझ पे डाउट है इसलिए तुझे मारा। ए, कौन है तू? अगर ये कंफर्म हो गया कि वो तू ही है तो तू गया। ए, कौन था वो? कौन था बता ना, कौन था बता। हाँ बसु, हाँ हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ। तरुण को बुलाओ। तरुण को बुलाओ। तरुण, तो तू है जो हर काम में कमाल कर रहा है। तेरे बारे में बहुत सुना मैंने, ये बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन दिखने में तो तू सामने वाले घर के बच्चे जैसा लगता है। आपको देखा तो सामने वाले अंकल जैसे लगते हो। हाँ? तू मेरे बारे में नहीं जानता, मुझे अच्छी तरह जान ले। मैं 3 चीजें पसंद करता हूं। फर्स्ट, किसी का खून करना। सेकंड, किसी का खून करना। एंड थर्ड, सिर्फ किसी का खून करना। यमदूत का जरक सुम है। क्या पिएगा? रम।
विस्की नहीं चाहिए। शर्मा मत बता क्या पिएगा। तुम पीने के लिए कहोगे तो नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा होगी तो मैं खुद पीऊंगा। तूने इसके बारे में जो कहा सही कहा। दर्द हो तो झेलने का, चिल्लाने का नहीं, समझ गई? क्या तू हमेशा से ऐसा ही है? मैं बचपन से ही ऐसा हूं। ओह, गुरु खत्म हो गया, उसकी जगह अब तू लेगा। सेंट्रल मिनिस्टर को मारना है, नवंबर 14 को चिल्ड्रंस डे, वो एक स्कूल फंक्शन को अटेंड कर रहा है, उसी वक्त उसे बॉम्ब से उड़ा दो। फिर बच्चे? कौन बच्चे? स्कूल के बच्चे मर जाएंगे तो? मरने दो, वही मेरा कॉन्सेप्ट है। मिनिस्टर को तो मैं मार दूंगा, लेकिन बच्चों को मैं हरगिज नहीं मारूंगा। क्यों? बच्चों और औरतों को कुछ होना नहीं चाहिए, यह मेरा कॉन्सेप्ट है। तू नहीं तो लालू उन्हें मार देगा। मैं इसे जाने ही नहीं दूंगा। सोच कर बता। एक बार मैंने फैसला कर लिया तो मैं खुद के भी नहीं सुनता। तन बदन मेरा जलता, आ, 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 जैसे ज्वालामुखी फटता, घूरो न ऐसे बलमा। दिल मेरा हो गया आप, हाय होता नहीं कंट्रोल, मौसम ठंडा है लेकिन मैं गाड़ी हॉट में। दिल मेरा हो गया आप, हाय होता नहीं कंट्रोल, मौसम ठंडा है लेकिन मैं गाड़ी हॉट में। लव मौत का खेल है, नहीं इसका कोई मेल है, जो इसमें फंसा वो मरा। हमें लगता बड़ा सेक्सी, ये मेरी है पॉलिसी, खिलाड़ी हूँ कलियों का, फिर भी कहलाऊं सन्यासी। दिल मेरा हो गया आप, हाय होता नहीं कंट्रोल, मौसम ठंडा है लेकिन मैं गाड़ी हॉट में। संभल गए तुम मगर तो बच गए समझो, महक रहा तन बदन जल रही हूँ मैं, संभल गए तुम मगर तो आजा तू लुट ले। मेरा धड़के रे तो सपना सजा रे, ऐसे तड़पाना मेरी जान। मेरी आंखें नजर रखे, बचे ना दुश्मन कोई मेरा, आवारा ये कुवारा करेगा तुझे पागल पूरा। तड़पाना मेरी जान।
मेरी आंखें नजर रखे बचे ना दुश्मन कोई मेरा आवारा एक कुवारा करेगा तुझे पागल पूरा दिल मेरा हो गया आप हाय होता नहीं कंट्रोल मौसम ठंडा है लेकिन मैं गाड़ी हॉट में हाय सब बैठे रहो कोई हिलेगा नहीं मोहम्मद मईदीन खान मुझे अरेस्ट करना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं टारगेट ओ कुछ बड़ा चाहते हो अब बिजनेस की बातें करता है एक चांस देता हूं सोच के निर्णय लेना गलत निर्णय लिया तो यह तेरी जिंदगी का आखिरी निर्णय होगा तुम रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और मैं रोज 5 लोगों को मारता हूं मैं कुछ अलग किस्म का हूं जो न्याय धर्म की बातें करता हूं उसे मैं अपने धंधे में शामिल कर लेता हूं तू आएगा चंद करप्ट ऑफिसर को देखकर सोचते हो हमारा डिपार्टमेंट यही है एक करेक्ट ऑफिसर को देखकर तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी हाँ किधर हुई हाँ पैंट गीली नहीं हुई मेरी बात सुन तुझे पता नहीं कि पुलिस वालों की मार क्या होती है तू सिर्फ इस शहर का कमिश्नर है और मैं इंटरनेशनल डॉन साला तुझसे बड़े लोग मुझे सैल्यूट करते हैं और तू भी मुझे सैल्यूट करेगा देश के झंडे को सैल्यूट करने वाले हाथ किसी देशद्रोही को सैल्यूट करने के लिए कभी नहीं उठेंगे लेकिन तू मुझे सैल्यूट करेगा मैं तुझे मजबूर कर दूंगा तू मुझे मजबूर करेगा इसे खाना पानी सब दो लेकिन इसे सोने मत देना अगर इसकी आंखें बंद हो तो इसे इतना पीटो कि इसकी पैंट गीली हो जाए मैं नहीं सोऊंगा मरा तो भी दोनों आंखें खुली रखूंगा हाँ, अब नहीं सोऊंगा तुझे पॉइल से क्या इतने टेंशन क्यों ले रहा है और तू गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहा है तू चल मेरे साथ अबे टशन क्या दे रहा है काट देगा क्या दिमाग में भूसा भरने लगता है अबे एक दूंगा ना कान के नीचे तेरे यू 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 अले अले, किसका कुत्ता है भाग क्यों रहा है तुझे भी पाइल से क्या सर आपने अली भाई को अरेस्ट किया अली भाई को मैं उन्हें कैसे अरेस्ट कर सकता हूँ वो तो इंटरपोल के हाथों में भी नहीं उनको अरेस्ट करना मेरा उद्देश्य है सर उनको पकड़ते ही मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कमिश्नर ने तो अरेस्ट नहीं किया व्हाट चाहे कुछ भी हो जाए ये बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए समझ गए इसे हम लोगों ने अरेस्ट किया ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए आउटगोइंग बंद है सर इनकमिंग फ्री हाँ। क्या कह रहे हो भाई कमिश्नर ने अली भाई को अरेस्ट नहीं किया मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कमिश्नर उसे बर्बाद करके छोड़ेगा बोलो कहाँ हो इंदिरा नगर पोस्ट ऑफिस नहीं तुम यही हो लगता है देख लिया देखा तो नहीं झूठ मत बोलो तुम यही हो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे देख सकते हो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना तुम पास में ही हो ना अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं सही हूँ कहा ना मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ क्यों मुझे धोखा दे रहे हो तुम यही हो ना माय लव इज ट्रू ये सिगरेट पी के अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है ये यहाँ कैसे आ गई यही वो पोस्ट ऑफिस है क्या हाँ वो मैं जाऊंगा थोड़ी देर में तुम पोस्ट ऑफिस जाओगे हाँ क्यों भाई मैं पोस्ट ऑफिस में जा नहीं सकता क्या
कोई भी पोस्ट ऑफिस में जा सकता है। तुम यहाँ नहीं हो ऐसा क्यों बोला? तुम्हारे पास दिल होता तो शायद समझ पाते, किसी से प्यार करोगे ना तब पता चलेगा। क्यों? तुम किसी से प्यार करती हो? अभी तक तो करती थी पर अब नहीं करती। हाँ, मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया तो तुम बुरा मान गई। किसे पता था तुम ऐसा शौक दे दोगी। That is why I hate you completely. अभी तुम नाराज हो, बाद में बात करते हैं। जाओ, निकलो यहाँ से। That's why I hate you completely. क्यों बे? तेरी लवर भी ऐसी ही है क्या? क्या? टेंशन पार्टी है यार। ये लड़कियाँ सब ऐसी ही होती हैं। भूल जाओ, सब वेस्ट है। तुम भी वेस्ट हो। मैं ही भूल गई थी। जाने को बोल यार। टीवी के एड की तरह बार बार आ रही है, बोलना उसको जाने को। वो चली गई। अरे नहीं सो रहा हूँ, नहीं सोऊंगा। बोला ना नहीं सोऊंगा। देखो मैं जगा हुआ हूँ। बता रे, बता क्या प्लान किया है? बताता है कि नहीं? बता। ए, 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 बाल मत पकड़ भाई, खराब हो जाएंगे। तो दुनिया के लिए शेर होगा लेकिन मेरे लिए चूहा है। चूहा पैर से मसल दूंगा। तो मसल ना, इतने लोग हैं ना, मसल के फेंक देना। नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा तो क्या करेगा? हाँ, कोर्ट में खड़ा करेगा ना तू मुझे। मैं वहां क्या कहूंगा जानता है? मैं वहां कहूंगा कि अमिताभ बच्चन मेरा सबसे करीबी दोस्त है, उसके साथ खिंचवाई हुई तस्वीर भी है और साथ में वीडियो भी। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और मैं बिजनेस पार्टनर हूं, मैं ये कहूंगा। दुबई में हम दोनों गले मिले, वो तस्वीर भी है। वैसे ही अलग बात है कि हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए तेरे डिपार्टमेंट को कम से कम 10 साल लग जाएंगे। हाँ मैं चूहा हूं, लेकिन तेरे जैसे पहाड़ को मैं खोखला कर सकता हूं। बी 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 बी। क्या सोच रहा है? डील की बात करें? तुझे पैदा करने वाला भगवान अगर मिल जाए ना तो उसे भी जेल में बंद कर दूंगा। तो करो ना, मैं उसके साथ भी डील कर लूंगा। आज मैं फुल एंड फाइनल कर ही देती हूं। छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, अपने इन लफंगे दोस्तों के साथ रहना छोड़ दो। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? छोड़ दो ना। छोड़ दो कह रही हो, वो क्या सिगरेट है क्या छोड़ने के लिए? मेरे फ्रेंड्स है वो। चल बता, तूने मेरे लिए किया क्या है? क्या किया है बोलना। जहां मिलती हो वहां बस स्माइल देती हो, अगर ट्रेन में मिलती हो तो ई करके दांत दिखाती हो, या फिर रोकर चुपचाप चली जाती हो। इसके अलावा करती क्या हो? सुनाती है। बेचारा जवान लड़का काम के सिलसिले में इधर उधर घूम रहा है, उसका कोई है भी नहीं। खाना खाया या नहीं, कुछ चाहिए क्या, ये कभी पूछा है? थोड़ा सा उपमा भी दिया है कभी? नहीं दिया। सारा का सारा परिवार बस करियर के पीछे भाग रहा है, लेकिन कभी तो खाना खाया ऐसा पूछा है? टिफिन लेवल पे कमिट नहीं हो सकती, लाइफ में क्या कमिट होगी? ये लो खाओ, साथ में मुझे भी खा जाओ। अरे भाई मैं जगा हुआ हूं, मैं नहीं सोऊंगा। नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। अरे भाई उस कमिश्नर को बोलना कि मेरी बात मान ले। अरे तुम लोगों को क्या चाहिए बोलना, मैं सब दूंगा। थोड़ा तो सोने दे। अरे चिल्लाता क्यों है, मैं कहाँ सो रहा हूँ? नहीं सोऊंगा। सुनो हा? अली भाई पुलिस कस्टडी में। क्या कह रही हो तुम? कमिश्नर की बेटी, इसे उठा लो। सर आपके लिए कुरियर आया है, खोलो इसे। ए कमिश्नर, उस कुरियर में एक VCD भी है,
उसे देख, मैं वेट करता हूँ। जरा देखो इसमें क्या है। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे भौंकना बंद कर, पहले अली भाई को रिलीज कर, वरना मोबाइल, इंटरनेट, थिएटर, टीवी, हर जगह पर तेरी बेटी की फिल्म चलेगी। संभाल के भाई। रहने दे। उस कमिश्नर की नींद हराम कर दो। उसकी लड़की की फिल्म पूरे इंडिया में देखनी चाहिए, पूरे इंडिया में। क्या दिखाया? ध्यान से सुन, तू अपने पति को चुप रहने के लिए बोल, समझी? देख, अगर उन्होंने ज्यादा इंक्वायरी करने की कोशिश की ना, तो तेरी लड़की की लाश मिलेगी तुझे। तू लड़की है? हाँ? लड़की होकर भी एक छोटी सी बच्ची को बेइज्जत कर दिया? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? छोटी बच्ची से खेल रहे हो? ये जानते हो उसके परिवार वाले कितने दुखी हैं? तेरी माँ बहन के साथ कोई ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? खत्म करना है मुझे इसे। शांत हो जाओ कमीना। ए दोस्त, वहां देखना। दीदी वहां देखो, ये वही लोग हैं जो उस दिन घर आए थे और हमें तंग किया था। तो चुप बैठ। ए खिसकना बेटा। अरे जा कर रहे हो? नहीं बोल। डोंट टच। ए मेरी बहन को हाथ मत लगाना। अब वही लोग है ना जो उस दिन घर आकर मेरी दीदी को परेशान कर रहे थे। ए आप लोकल ट्रेन में से लफड़ा मत करो। ए दू क्या एक है? अभी थोड़ी देर में नुंगंबक्कम स्टेशन आएगा, तब बताता हूँ मैं। आने दे, आने दे। ए जा। अब चूहे। ए ले स्टेशन आ गया, अब क्या होने वाला है? चुप। ए कौन है बे तू? मुझको मारेगा? मुझे मारेगा? ए देख मुझे मार रहा है। ए तू इसीरी का गुंडा है क्या रे? मुझे मार रहा है। हाय Yeah? Yeah?
उनसे ज्यादा तो मैं तुम्हें देखकर डर जाती हूँ। तुम जो भी कर रहे हो ये सही है या गलत है मैं नहीं जानती, बट आई लव यू। तुम मेरे पास रहते हो तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। हे मामा 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 रोता है क्यों, हे मामा 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 रोता है क्यों। मन की सुन मन की बात, मन का तू दे साथ, मन से बड़ा कोई नहीं ये जान ले। दिल की सुन दिल की बात, दिल का तू दे साथ, दिल से बड़ा कोई नहीं ये जान ले। बड़ी है तू मीठी, चर्चा तेरी है गली गली। मीठे हो तुम मगर ऐसी तिरछी नजरिया मुझ पे न डाल। टच करके मारना लेना तू ऐसे जान कर दू जवानी मैं तेरे नाम। नागिन मैं बन के डस लूंगी तुझको, देख ले मेरे तू लग के झटके। तेरी फिगर है, होंठ भी लाल है, पतली कमर है, सुन ले ब्यूटी। फिगर मेरा ऐश्वर्या के जैसा, आइसक्रीम जैसा टेस्ट है मेरा। पास मुझे आने दे, गले लग जाने दे, तुझको मेरे जैसा कोई मिलेगा नहीं। सपने तेरे सजाने लगा दिल मेरा, खो जाऊं तुझ में बनके तेरी प्रियतमा। बनके आ मेरी दुल्हनिया, ले आया मैं तेरी चूड़िया। शाम तेरी आने वाली थी, बच गया लाके तो चूड़िया। ए मामा मामा, ए मन की सुन मन की बात, मन का तू दे साथ, मन से बड़ा कोई नहीं ये जान ले। ये है मेरी प्यारी फैमिली समझे। मैंगो मैंगो चाहिता, मैंगो मैंगो चाहिता, मैंगो मैंगो चाहिता, मैंगो मैंगो चाहिता। तुमने बुलाया दिल लेके आया, हम दोनों का दिल तू मिला ले। हजरेडी प्यार के लिए तो घूमने जाएंगे होलुलुलु। मिर्ची लगाना खर्चे बढ़ाना, टेंशन मत दे तू मुझको ना जला। प्यार की बारिश पैसे लाएगी, झूमेंगे हम मस्ती छाएगी। बनके आ मेरी दुल्हनिया, ले आया मैं तेरी चूड़िया। शाम तेरी आने वाली थी, बच गया लाके तू चूड़िया। मामा मामा, हे मन की सुन मन की बात, मन का तू दे साथ, मन से बड़ा कोई नहीं के जान ले। बड़ी है तू मिर्ची, चर्चा तेरी है गली गली। मीठे हो तुम मगर ऐसी तिरछी नजरिया मुझ पे न डाल। टच करके मारना लेना तू ऐसे जान कर दू जवानी मैं तेरे नाम। नागिन मैं बन के डस लूंगी तुझको, देख ले मेरे तू लग के झटके। मामा ओए मामा, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, हेल्प समबडी हेल्प। छोड़ो मुझे। ये आवाज किसकी है? कमिश्नर की बेटी की है, वो यहाँ है। समबडी प्लीज हेल्प। तेरे बाप ने मुझे डाला था जेल में,
अब उसका हर्जाना तू भरेगी। ए, ए, इसे उठाकर ले जा भाई। ए, 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 इसकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, इसके चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में आनी चाहिए। तू मरेगा, मेरे पापा तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे पापा ने एक पुलिस वाले को तुम्हारे गैंग में भेजा है, वो जरूर तुम लोगों को खत्म कर देगा। कौन है, कौन है, बता कौन है, बता कौन है वो? शांतनु, शांतनु बहल, शांतनु बहल, कौन है वो, कौन है, कौन है वो, बताना। रिटायर पुलिस ऑफिसर, कहाँ है वो रिटायर पुलिस ऑफिसर? हाँ बोल। उसका नाम शांतनु है। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो है कौन? सर्कल इंस्पेक्टर बनकर रिटायर हुआ है और वो उसका लड़का है जो अंडर कवर है। डिटेल्स बता। और कोई डिटेल नहीं मिली है सर, डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं जानता, हमारे पास उसकी एक फोटो है बस। फैक्स कर, फैक्स कर, फैक्स कर, जल्दी से फैक्स कर। नमस्ते शांतनु साहब, मैं अली भाई। सब लोग मुझसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। सत्यमूर्ति, सत्यमूर्ति नाम का एक लड़का था। उसके पापा शांतनु बहल रिटायर होने के बाद अपना यूनिफॉर्म निकाल के उसे धोकर इस्त्री करके लड़के को पहनाकर भेज दिया। वो लड़का यूनिफॉर्म पहन के तहकीकात करते वक्त अली भाई नाम के आदमी से उलझ गया। अली भाई के लोग उसे छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसे मारेंगे और उसके पापा के सामने लाकर खड़ा कर देंगे। अब अली भाई तो बैड बॉय है ना, इसलिए वो पापा के सामने ही बेटे को मार देगा। ए सुन, मैं मौत से नहीं डरने वाला। सत्यमूर्ति आईपीएस। हाँ हूँ, तो क्या कर लेगा? अली भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसे कुछ मत करना। इसके आगे हाथ मत जोड़िए। चुप रह तू। अली भाई, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। नहीं पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? पैर मत पकड़ना। पैर पकड़ो। नहीं पिताजी, पैर पकड़ो, मैंने कहा पैर पकड़ो। पैर मत पकड़ना पिताजी। बेटा, बेटा, बेटा। शर्मन बेटा, बेटा, शर्मन बेटा, बेटा शर्मन। तो ये तेरा लड़का सत्यमूर्ति नहीं है? अब चुपचाप सच्चाई बता दे, अगर ये श्रवण है तो सत्यमूर्ति कौन है? ये तेरा लड़का नहीं है ना? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। इस लड़के का मैंने पालन पोषण किया है, लेकिन तूने इसे मार डाला पापी। कौन है, कौन है तेरा बेटा? तेरा बेटा कौन है, बता, तेरा बेटा कौन है? सत्यमूर्ति आईपीएस। इंडियन पुलिस सर्विस बेल्ट नंबर 57। बैच नंबर 3, 2, 5, 6, 7। ट्रेंडेड देहरादून। टॉपर ऑफ द बैच सत्यमूर्ति आईपीएस सन ऑफ शांतनु बहल। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सदैव वफादार रहूंगा। मुझे गर्व है
कि वो मेरा बेटा है। देखा कहने में कितना अच्छा लग रहा है। एक बाप को इस खुशी के अलावा और क्या चाहिए। एक पुलिस वाला ही इस खुशी की अहमियत समझ सकता है, लेकिन तुझ जैसा क्रिमिनल ये कभी नहीं समझ सकता। Am I right? Right. अभी वो कहाँ है? He is under cover. 24 hours, 365 days on duty. बता दे कि इस वक्त वो क्या कर रहा है? इलाज कर रहा है। देश का सत्यानाश करने वाले तुझ जैसे वायरस को खत्म करने का इलाज कर रहा है। कोर्ट सेक्शन इंक्वायरी, इन सब से बच के निकलने वाले तुझ जैसे क्रिमिनल को जड़ से मिटाने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। और मेरे बेटे का यह ऑपरेशन लोगों की सुख शांति के लिए है। मेरी ईमानदारी की वजह से ही तेरे जैसे क्रिमिनल ने उसकी मां को मार दिया। मेरे ऊपर कोई खतरा ना आने पाए इसलिए वो मुझसे दूर रहता है। लेकिन मैं तो आ गया ना। तू यहां नहीं आया है, आने पर मजबूर होना पड़ा है तुझे। तेरे आदमी गुरु को मेरे बेटे सत्यमूर्ति ने ही मारा था। तू अपना बिजनेस संभालने के लिए दुबई से इंडिया आया है। मास्टर प्लान? तू जिंदा रहा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अब चुपचाप बता दे तेरा बेटा कौन है। मेरा बेटा कौन है बताऊंगा तब भी तू मारेगा, और नहीं बताऊंगा तो भी तू मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो कौन है ये जरूर तुझे पता चलेगा, क्योंकि तुझे मेरा बेटा ही मारेगा। तू उसे बिना देखे नहीं मरेगा, अपनी इन्हीं आंखों से तू उसे देखेगा। क्यों डर लगने लगा क्या? हर किसी के पास एक सिक्स सेंस होता है। लग रहा है तुझे पता चल चुका है कि तेरा काम तमाम होने वाला है। Am I right? तू तो मुझे मार के चला जाएगा, लेकिन उसी वक्त से तेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुझे 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 सबको खत्म कर देगा वो। नवंबर 12th आज मेरा डेथ डे है। मैं जानता हूं नवंबर 13th तेरा डेथ डे है। नाइस मीटिंग यू शांतनु बहल। तेरी लाश को देखने तो तेरा बेटा आएगा ना? जरूर आएगा। मैं उसे खत्म करने आया था, लेकिन यहां इतनी पुलिस क्यों? अभी कुछ मत पूछो। वो कौन है जानते हो? मुझे कुछ नहीं पता। Shit!
बेटे, मैंने तुझे जीना सिखाया है, लेकिन देश के लिए जीना ही हकीकत में जीना है। मैं तुझे अपना बेटा कहने से पुलिस कहने में गर्व महसूस करता हूँ। देश से बुराइयों को खत्म करना ही तुम्हारा मकसद है और यही तुम्हारा फर्ज है। यू आर द वन मैन आर्मी, सर्व द पीपल, डाई फॉर द कंट्री, लिव लाइक अ लीडर। भाई वो यही है, निकलते ही बता दो। उस देशद्रोही अली को बीच सड़क पर लटका कर तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। छे, वो आईपीएस ऑफिसर है, मैंने ये जाने बिना स्कूल में बॉम्ब रखने के लिए कह दिया। मेरे कहने की वजह से वो नहीं करेगा। ऐसा वो सोचेगा, लेकिन मैं जरूर करूंगा। मैं नहीं तो दूसरा और कोई करेगा। नवंबर 14, उस दिन के लिए उसने प्लान किया है। नवंबर 14 इज माई टारगेट। जो मैंने सोचा है वो पूरा होना चाहिए। उसके लिए वो जिंदा नहीं होना चाहिए। यहाँ के बारे में वो जानता है, इसलिए जगह बदल दो। मेरी मजबूरी है कि मैं उस पे एक्शन नहीं ले सकता। मेरी बेटी उसके कब्जे में है। मैं वहां जा रहा हूं सर। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मरेगा तो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही मरेगा, लेकिन 30-40 क्रिमिनल को मार कर ही मरेगा। 24 घंटे और मुझे क्रिमिनल समझ के जी लेना। मेरे आने तक श्रुति को संभालिएगा सर। मुझे बुलाया सर? हाँ, तुझे। इधर आ। मूव, जेब स्टार्ट कर। यस सर। सर, सिर्फ आज के दिन ड्यूटी सही करेगा? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो कहाँ है? कौन सर? खाकी वर्दी पहनी है तो कम से कम आज के दिन तो अपना फर्ज निभा। अली भाई कहाँ है? पूछ उसको कहाँ है, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। पूछ। ए गोविंद, कहिए भाई। वो निकल गया क्या? नहीं भाई, वो अभी तक यही है। निकलते ही फोन करता हूँ। आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए, सिटी में आपको खतरा है भाई। हे, मैं जानता हूँ, मैं यहाँ सेफ हूँ। आप अभी कहाँ हैं भाई? मैं बिनी मिल में हूँ। हाँ ठीक है भाई, मैं बाद में फोन करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, चल। अली भाई। हाँ बोल।
वो आ गया, बिनी मिल में आ गया। उसे किसने बताया? मैंने ही बताया। अरे बेवकूफ, तूने क्यों बताया? और कोई चारा नहीं था भाई, आपका फोन आया तो वो मेरे पास ही बैठा हुआ था, मेरी खोपड़ी पे गन लगा रखी। अभी वो कहाँ है ये बता। भाई वो ऑलरेडी बिनी मिल में घुस चुका है। अरे ए, वो आ चुका है यहाँ पे, जाओ ढूंढो उसे। भाई हाँ बोल। मैंने उसे मार दिया तो कितने पैसे दोगे? करोड़ रुपए देखे? नहीं, 5 करोड़ रुपए दूंगा, मार उसे। खोल इसे, अरे खोल इसे जल्दी, तोड़ डाल। जल्दी जल्दी जल्दी, शूट हिम, गोली मार, मार उसे। Oh!
एक करेक्ट ऑफिसर को देखकर तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी। अरे तूने तो हमारे सारे आदमियों को मार डाला। अरे इन्हें आप भी समझाए जानवर, अरे क्रिमिनल्स थे, क्रिमिनल्स थे ये, अब मुझे ये कैसे मिलेंगे? सुन, तेरे जैसे पुलिस ऑफिसर हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अब मैं इन सबको कहां से लाऊंगा? बचपन से लोगों को खिलाया पिलाया पाला पोसा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, रुक यार, कितना मारेगा तू? बहुत दर्द हो रहा है रे, खून भी निकल रहा है। तुझे क्या चाहिए यार? तुझे कितना पैसा चाहिए बोल ना, मैं दूंगा तुझे, मेरे साथ रह, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। अरे डिपार्टमेंट तुझे क्या देगा? एक यूनिफॉर्म और मरे तो 50,000 रुपए तेरे परिवार वालों को, और 2 मीटर के काले रिबन को काट कर तुझे दफनाने तक शर्ट में लगा के घूमेंगे, बस यही ना? अरे सुनना, तू मेरे साथ रह, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, स्वर्ग दिखलाऊंगा, मैं तुझे स्वर्ग दिखलाऊंगा। हो गई बिजनेस की बात? नहीं हुई ना सर? कांटे को कांटे से ही निकालना होगा। सर मैं बोल रहा हूं, आपकी बेटी सेफ है और अली भाई मारा गया। बैड लक यह है कि हमारे इंस्पेक्टर गोविंद भी मारे गए सर। सर ये क्या कह रहे हैं? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता।